हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का जानकारी पर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग किस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा में घर बैठे ही सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को किसी भी ब्रांच को विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ये सारा कुछ प्रोसेस घर बैठे ही कर पाएंगे। आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अधिकारी होगा वो आप लोगों के घर पर कुछ चलकर आएगा और उसके बाद आप लोगों का अकाउंट ओपन कर देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आपके एरिया में डोर स्टेप सेवा उपलब्ध होगी तभी आप लोग घर बैठे सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है कि क्या जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अधिकारी आएगा, यानी कि जो भी एजेंट होगा वो आएगा हमारे घर पे अकाउंट ओपन करने के लिए, तो हम लोगों को अकाउंट ओपन करवाने का कोई भी चार्ज देना पड़ेगा या फिर फ्री में अकाउंट ओपन होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, आप लोग बिल्कुल फ्री में सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और आप लोगों को शुरू में जो भी आप लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट यानी कि डालना चाहते हैं, आप लोगों को वही पैसे देने पड़ेंगे। आप जितना भी पैसा देंगे वो आप लोगों के बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही आप लोगों की एज 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। जब आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके लगभग एक हफ्ते के अंदर आप लोगों के मोबाइल पर एक फोन आएगा। उसके बाद आप लोगों के एड्रेस पर जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का डोर स्टेप अधिकारी होगा वो आकर आपका अकाउंट ओपन कर देगा। तो दोस्तों, किस प्रकार से आप लोगों को वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और आप लोगों को किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और साथ ही अगर आप लोग ऐसे ही नई नई नॉलेजफुल जानकारियां पाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर ही एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोग सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, या फिर आप लोग किसी भी ब्राउजर में टाइप कर सकते हैं bankofbaroda.in, तो भी आप लोग सीधे इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, होम लोन। तो हम लोगों को यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो आप लोगों को सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। या फिर दोस्तों, काफ़ी लोगों के मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं दिखता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों को ये ऑप्शन ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग ऊपर आएंगे, यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अकाउंट्स, आप लोगों को अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने पेज कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप लोगों को यहां से सिलेक्ट करना है सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहां पर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हम लोगों को सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब आप लोगों को यहां पर इस बैंक में जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहां पर अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स, उसके बाद अकाउंट्स फॉर सीनियर सिटीजन, अकाउंट फॉर पेरोल नीड्स, नीड्स बेस्ड अकाउंट और अकाउंट फॉर नॉन इंडिविजुअल। तो हम लोगों को यहाँ पर अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बड़ौदा एडवेंटेज सेविंग अकाउंट, उसके बाद बड़ौदा चैंप अकाउंट, उसके बाद यहाँ पर बड़ौदा महिला शक्ति सेविंग अकाउंट, और इसी प्रकार से यहाँ पर काफ़ी अकाउंट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बड़ौदा एडवेंटेज सेविंग अकाउंट के बारे में। इसमें अगर फैसिलिटी की बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग सिंपलेस्ट डिपॉजिट ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जीरो बैलेंस की फैसिलिटी भी उपलब्ध मिल जाती है। तो आप लोग अगर इस अकाउंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज पाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर नो मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इस अकाउंट से रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीधे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है और आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम एंटर कर देना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग जब नेम एंटर करें तो आप लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड में दोनों में सेम नाम ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ईमेल आईडी एंटर करनी है और आप लोगों को यहाँ पर एक एक्टिव ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी एंटर करना है।
दोस्तों आप लोग यहां पर जो भी ईमेल आईडी और जो भी मोबाइल नंबर देंगे, यही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप लोगों के बैंक अकाउंट में भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहां से अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो भारत के जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, आपके राज्य के अंतर्गत जो भी आपकी सिटी है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपने सिटी के अंतर्गत जिस भी ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है। तो यहां पर देखिए सिटी में एक ही ब्रांच है तो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, और अगर आपके सिटी में और अलग अलग ब्रांचेस हैं तो आप लोगों को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक वेरीफिकेशन कोड दिया गया है, इस वेरीफिकेशन कोड को यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जब आप लोग यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आप लोगों की ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने फिल की है ये आपकी ब्रांच में पहुँच जाएगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है आई ऑथराइज बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव टू कॉल मी और SMS मी विद रेफरेंस टू माई एप्लीकेशन। यानी कि जब आप लोग इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे उसके लगभग एक हफ्ते के अंदर बैंक की तरफ से आपके पास कॉल आएगा या फिर आप लोगों को SMS के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आप लोगों के घर पर बैंक ऑफ बड़ौदा का अधिकारी अकाउंट ओपन करने के लिए आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंडीशन ये है, अगर आपके क्षेत्र में आपके एरिया में डोर स्टेप सेवा उपलब्ध होगी तभी इस प्रोसेस से आप लोग घर बैठे सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम पता कैसे करें कि हमारे एरिया में डोर स्टेप सेवा उपलब्ध है या फिर नहीं उपलब्ध है। अगर दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिए, दूसरी वीडियो बना दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी पासबुक कहां से मिलेगी, इसका ATM कार्ड कहां से मिलेगा और इसमें नेट बैंकिंग की ID वगैरह किस प्रकार से एक्टिव होगी। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो जो बैंक से अधिकारी आएगा आप लोगों के यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन करने, वो अपने साथ में ही एक अकाउंट ओपनिंग किट लेके आएगा जिसमें आप लोगों को मिल जाएगी पासबुक, उसी के साथ चेकबुक भी मिलेगी, और साथ ही आप लोग ATM चाहें तो पोस्ट द्वारा भी ऑर्डर कर सकते हैं, और इंस्टेंट ATM चाहते हैं तो आप लोगों को इंस्टेंट ATM भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट आसानी से ओपन करवा सकते हैं।